अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना, ये वाली जो जगह है ये वही जगह है जहाँ पे डालीगंज का मेला लगा करता था और फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद लगने भी वाला है। और अभी यहाँ पे गणेश चतुर्थी आ रहा है ना, तो गणेश जी का पांडाल आप देख सकते हैं, एकदम लोग जोरों शोरों से काम चल रहा है बनाने के लिए, एकदम तैयार हैं लोग। चलिए थोड़ा सा हम एक दिखाते हैं, इधर जो हनुमंत धाम मंदिर है, तो दोनों जगह आप इंजॉय कर सकते हैं आकर के, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और बाकी ये हम चलिए थोड़ा सा और अंदर चल के दिखाते हैं आपको। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं ना जहाँ पे डालीगंज का मेला लगता था। हमने डालीगंज की बहुत सारी वीडियो डाल रखी थी जो कि आपने देखा था और बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था। तो यही वो जगह है झूलेलाल पार्क, जहाँ पे हनुमान सेतु का जो मंदिर है उसके जस्ट अपोजिट में अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा पांडाल यहाँ पे बन रहा है गणेश चतुर्थी के लिए। तो 19 तारीख को गणेश चतुर्थी का जो स्थापना है, मूर्ति स्थापित की जाएगी और पूजा वगैरह भी किया जाएगा, आरती वगैरह भी होगी। तो 10 दिन तक पूजा चलने वाला, यानी कि 28 तक पूजा चलेगा। तो आप यहाँ पे आ करके बढ़िया मस्त दर्शन करिए, इंजॉय करिए, और यहाँ पे भोजन वगैरह भी होगा, उसका भी आप प्रसाद के तौर पे लुत्फ़ उठा सकते हैं। बाकी चलिए हम आपको बैक कैमरे से ना दिखाते हैं यहाँ के और भी क्या क्या चीज़ें प्रोग्रेस पे चल रहा है और कितना टाइम लगेगा अभी इसको तैयार होने। तो अभी फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ना, आधा अधूरा पांडाल देख रहे हैं, तो ये ना 18 तारीख तक एकदम बन करके रेडी हो जाएगा और उसके बाद 19 से आप यहाँ पर आ करके पूजा वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे ना लाखों की तादाद में भक्तजन आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। बाकी यहाँ का ये जो खाली एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे झूले वगैरह और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, आपके इंजॉय करने की चीज़ें, और अगर मार्केट वगैरह आपको करना है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मार्केट की शॉपिंग करने के लिए लगती है, तो आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। तो फ्रेंड्स पूछने में पता चला ना कि मात्र दो दिन में ये पांडाल जो कि बिल्कुल रेडी होने वाला है, तैयार होने वाला है। आप यहाँ पर आ करके ना एक बार देख भी सकते हैं और इसके बाद आप आइए, दर्शन करिए, इंजॉय करिए, मस्ती करिए, सब कुछ करिए, कुछ खरीदना वो भी खरीदिए, मार्केट वगैरह भी बहुत जल्द यहाँ पे लग जाएगी। तो 19 से 28 तक मस्त आप यहाँ पे आ करके गणेश चतुर्थी का पूजा भी कर सकते हैं, आरती भजन कीर्तन सब कुछ करिए और प्रसाद लीजिए, भोजन करिए, सब सारी व्यवस्था आपको दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।